हेलो एवरीवन, मैं यश पटेल अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे आज की क्लास होगी केमिस्ट्री का और कौन सा चैप्टर नंबर 1 है और इसमें टॉपिक कौन कौन पढ़ने वाले हैं हम सबको इसे आपको क्लियर बता रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें पढ़ना का विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से उसको पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि संयोजन अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया है। सबको छोटे मोटे सबको जितने टॉपिक सबको साथ में आपको ले चलेंगे और इसी क्लास में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिना स्किप किए चलिए तो उसको क्लास को देखते हैं। और हम इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। आइए अब हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक को। कौन सा टॉपिक है? विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। आइए हम क्या बोल रहे हैं उसको देखिए, अब बाकी से नोट करते चलिएगा सबको। देखिए बोला विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है उसको देखिए। बोला कौन कौन सी होती है, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। क्या है? इसको दो पार्ट में बांट दिया है। कौन सा? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। क्या बांटा? दो पार्टों में बांट दिया। कौन सा? संयोजन वियोजन। कौन सा बांट रहा है? दो पार्टों में। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। ओके, दोनों पार्ट में बांट दिया। दो पार्ट में कौन किसके कितने टाइप होते हैं? दो पार्ट में बांट दिया, फर्स्ट ये सेकेंड। ओके, तो आइए तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट में इसमें क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ये सेकेंड में दोनों में क्या होता है। तो चलिए तो कलम को भी उठा लीजिए, अब बारीकी से नोट करते चलिए। देखिए फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कौन? संयोजन। संयोजन क्या होता है उसको बारे में हम देखते हैं। चलो तो हम देखते हैं आप कौन से टॉपिक को आयो, कलम को भी ले लो, फटाक से नोट करते चलना, ठीक है? क्या बोल रहे उसको देखो। बोलेगा संयोजन अभिक्रिया क्या उसको देखना था ना। आइए देखिए जैसे क्या बोल रहा है, जब बोल रहा है जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ उसे हम तत्व बोलो या यौगिक ले लो परस्पर संयोज करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है, सपोज दो अभिक्रिया मैं दो चीज़ दो वस्तु को लेकर एक नया वस्तु का निर्माण कर ले उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, सपोज ये मैं दोनों को मिक्स करूँगा ना, सपोज तो मिक्स करने के बाद कोई नया वस्तु बन जाएगा, शायद का बनेगा तो कुछ नया बनेगा। ओके, तो नया बनेगा तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया? सपोज आप रोटी, आप क्या होता है गेहूँ से आप जो पिसा हुआ आटा खा कर रोटी खाते हो ना, सिर्फ रोटी खाते हो, उस रोटी में क्या जो आटा होता है उसमें कुछ चीनी मिलाते हैं, चीनी मिला उसको पकाएंगे तो कुछ नया डिश बन जाए, कुछ मीठा डिश बन जाए, जिसको लोग पापड़ा के नाम से जानते हैं या कोई भी अलग चीज़ के नाम से जानता है। ओके, तो वही होता है, मैं दो चीज़ मिक्स होता है तो कुछ नया पदार्थ बनता है, तो उसमें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं आपको। सपोज डायरेक्ट देख लीजिए, मैंने यहाँ कार्बन ले लिया, कार्बन ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, ले बेटा मिक्स हो गया ना, तो मिक्स होने के बाद क्या आंसर बना? CO2 बन गया। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, या कार्बन ऑक्सीजन था तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये यहाँ पर 2 कैसे आया, ये कैसे बैलेंसिंग का है। ओके, संतुलित कैसे करते इसके पिछले वाले वीडियो में डाला गया, उसको पहले देख लीजिएगा। देखिए यहाँ मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ टू किस लिए? क्योंकि यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको लिया था। ओके, यहाँ पे 2। देखिए फिर से मैंने हाइड्रोजन को ले लिया और कौन सा इसको N2 को ले लिया, दोनों को मिक्स किया तो बन गया क्या? बन गया N2NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया के नाम से हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं? अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, पूरा अच्छा से समझ में आ गया ना, पूरा अच्छा से। तो डायरेक्ट इसको कोई नाम बोल दे, कोई कौन सा तत्व है भाई जिसका नाम होता है एक यौगिक वाले। सपोज कौन? ये एक ही यौगिक ना, दोनों ये अलग है ये भी अलग। सपोज डायरेक्ट मैंने Fe को लिया, दिखाई दे रहा है Fe+ सल्फर को ले लिया, इसके साथ कौन सा बन जाएगा भाई? Fe S। ओके, ये मेरा बन जाएगा ना। तो सपोज एक तत्व कौन सा है? एक ही तत्व, ये एक ही है, ये भी एक ही है, ऐसा थोड़ी एक अलग अलग है। अब ये कौन सा तत्व है? ये एकल तत्व हो, क्या होता है? एक यौगिक वाले अभिक्रिया। ओके, ये कौन सा है? एक तत्व या यौगिक वाले अभिक्रिया हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? अब कौन सा पढ़ेंगे? दो यौगिक पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद फिर पढ़ेंगे तीन यौगिक पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम कौन सा
ये दो यौगिक, यहाँ तक सिंगल में कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब देखते हैं हम दो यौगिक वाले, तो आइए देखते हैं हम क्या है उसको देखते हैं। देखिए जैसे क्या बोल रहा है, वियोजन, वियोजन है ना, वियोजन उसको हम अपघटन बोलते हैं। वियोजन बोलिए अपघटन अभिक्रिया, क्या है उसको देखिए। बोल क्या रहा है पृथ्वी, यह अभिक्रिया किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिन अणु के मूल के यौगिक के अणु से बिल्कुल विभिन्न होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, सपोज डेट मतलब देखिए ये एक पार्टनर हो गया, ओके ये बी पार्टनर हो गया, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब दोनों जुड़े हुए हैं जब किसी को हीट करते हैं क्या हुआ, सपोज इसमें हम इसको जला दिए ना, हीट कर दिए, तो ये क्या हो, दोनों के दोनों भाग जाएंगे अलग अलग, दोनों के दोनों भाग जाएंगे कैसे, सपोज ए इधर भाग जाएगा और प्लस का बी इधर भाग जाएगा, बी दोनों के दोनों भाग जाएंगे। ठीक है, सपोज दो दोस्त हैं, ठीक है जब आग लगी ना, आग लगती है ठीक, इधर भागता है और इधर भागता है ना, उसी तरह ये भी है, क्या है ये भी है। ठीक है, क्या होता है सिंपल समझिए, दो दोस्त हैं चिपके हुए हैं, दो दोस्त जुड़े हुए हैं, जब आग लगती है भाई तब तो ये उधर भाग जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्या होता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कैसे, आइए दिखाते हैं। सपोज देखिए यहाँ देखिए CaCO3 दोनों आपस में जुड़े हुए ना, CaCO3 जुड़े हुए हैं, यहाँ देखिए क्या है, गर्म बोले तो हमने इसको हीट किया, अब इस पर हम क्या दोनों को हम हीट कर रहे हैं, हीट किया ना, तो देखिए क्या होता है, देखिए CaO ये इधर आ गया और CO2 दोनों इधर भाग गया, क्या हुआ दोनों इधर उधर जो है जो बचा जो मिला सो भाग गया, क्यों भाई भाग गया क्यों, अब बन क्या गया गैस, जीभ का ऊपर इंडिकेट कर रही है इसका मतलब क्या है, गैस बन गया, क्या हुआ गैस, जब दोनों में दोनों के बीच में आग लगी, ओके आग लगी तो क्या हुआ, जो मिला सो लिया भाग गया, देखिए CaO ले लिया और बच गया ये ले लिया, दो ये ले लिया एक ये लिया, ऑक्सीजन तीन था यहाँ पे, दो एक ये इसको मिल गया ऑक्सीजन और एक दो इसको मिल गया, वो ना जो मैं मिले वो लो अन्य भाग जाओ, जब आग लगती है जंगल में तो सारे सारे भागते लगते हैं, ये भी होते हैं वैसे ही टाइप का, ओके देखिए यहाँ पे फिर मैंने क्या ले लिया उसको देख लीजिए, H2 ले लिया फिर ऑक्सीजन ले लिया, H हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल लिया, दोनों को ले लिया ना, तो देखिए क्या हुआ, ये यहाँ भागे ये अलग भागे, यहाँ पर दोनों चिपके हुए थे, दोनों प्यार मोहब्बत में जुड़े हुए थे, क्या हुआ था प्यार मोहब्बत में देखिए जुड़े हुए थे और साथ में जब आग लगी तो दोनों के दोनों भाग गए, यहाँ पे ये भी उसी की तरह है, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्या हुआ जुड़े हुए प्यार मोहब्बत जता रहे हैं यहाँ पे, और अभी आग लगती है तो फिर यहाँ से यहाँ तक भाग जाते हैं। ठीक है, सपोज ए भी साथ में, और दूसरी बात ये आप ट्रिक से समझ लीजिएगा, ओके यहाँ पे प्यार मोहब्बत का बता दिया मैंने दो आपस में प्यार मोहब्बत जुड़ी हुई है, लेकिन बेटा इसमें जब गर्मी की हीट पड़ती है तो ये अपना सीधे सीधे फिरार हो जाते हैं, ए जी इधर भागता है और CLG उधर भागता है, CL उधर भागते हैं, ए जी लो जी सुनो जी और इधर CLG भागो जी, ओके यहाँ ऐसे होता है। चलिए तो फिर वो क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं, देखिए KCl ले लिया, KCl3 ले लिया, अब यही दोनों के दोनों साथ चिपके हुए हैं, ये क्या हुआ A है और ये B है, दोनों के चिपके हुए हैं बेटा, जब आग जब दोनों के दो फिर कुछ होता है रिएक्शन होता है दोनों का तो अलग ही भागते हैं, देखिए KCl इधर आ गया और क्या बच गया 3O3 इधर आ गया, ओके ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना भाई, दोनों में क्या हुआ आग लगेगी तो दोनों दोनों भागेंगे, सपोज दोनों हाथ में जब आग लगेगी तो एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा, दोनों दोनों चिपके हुए थे आग लगी तो जहाँ जो मिला सो लिया और भागा, ओके ये रहा ये कौन सा वियोजन अपघटन का नियम है, ओके आई होप कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, आसानी से समझ लीजिएगा, ओके आई या देखिए ये लैंग्वेज अपना खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे अपने खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं, जो कैसे एग्जाम लिख सकते हैं, दो अपक्रिया किसी यौगिक बड़े यौगिक का टूटने से या दो से अधिक क्या होता है दो टूटने से कोई नया पदार्थ बन जाए, कोई अलग अलग क्या बोलते हैं गुण के मूल्य यौगिक से बिल्कुल विभिन्न हो, मैं विभिन्न विभिन्न कुछ बन जाए। ठीक है, जब दो यौगिक जो जुड़े हुए हैं दोनों के टूटने से कोई विभिन्न विभिन्न यौगिक बन जाए उसे हम संयोजन वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ओके आप लिख सकते हो खुद से भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये भी आप लिख दीजिए कोई नंबर काटने वाला नहीं है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तुरंत इसके बाद ही, ओके तब तक इसके आगे हम कुछ और भी बताएंगे आपको। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जाने से पहले चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, और कुछ वीडियो में जो भी कुछ आपको लिखना अच्छा सब अच्छा या कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं, अच्छा सर
कॉमेडी कर देना भाई। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।